कई लोग कहते हैं हमारा भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। तो एक बार एक साधु किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गए, तो ये व्यक्ति उन साधु से कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। तो इन महात्मा जी ने उससे कहा, क्या आपने भगवान को खोजने का प्रयास किया? क्या आपने उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया? यदि आपने नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं विश्वास करता ही नहीं हूं? यदि आपने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया तो आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं, कैसे उसको छोड़ सकते हैं कि अस्तित्व में है ही नहीं? जबकि हम देखते हैं इस सृष्टि में, यदि हम देखें व्यवस्थाओं को देखें, तो कितना व्यवस्थित रूप से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। हमें पानी पीना होता है, पानी कहां होता है? समुद्र में। और पानी कहां होता है? यहां पीना है, हमें शहर में पानी पीना है, हमारे घर में पंप लगा हुआ है, उसका आप जो बटन चालू करिए और पानी आपके पास आ जाता है। आप जाइए आरओ का बटन चालू करिए, पानी आपके पास आ जाता है, आप पी लेते हैं उसको। लेकिन पानी का स्रोत क्या है? पानी धरती के अंदर है, नदी में है। और वहां कहां से आता है? या तो वर्षा हो, उसके माध्यम से पानी धरती में संग्रहित होता है, धरती में जमा होता है। लेकिन पानी के भंडार है या तो समुद्र में है, और या तो नमक डाल के पानी में रखना पड़ेगा, या बर्फ के रूप में जमा के रखना पड़ेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। और वहां से वाष्पीकृत होता है सूर्य की किरणों के प्रभाव में, और अलग अलग शहरों में बारिश हो जाती है। धरती माता के अंदर यह क्षमता है कि उसको संग्रहित कर लेती है। तो जो कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो विश्वास करने का ना विश्वास करने का कारण तो बताइए आप, कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? इतने सारे प्रमाण हैं, इतने सारे लोगों ने जिस मार्ग का पालन किया, जैसे भौतिक विज्ञानी होते हैं, ऐसे आध्यात्मिक विज्ञानी भी हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ऐसे अनेक अनेक साधु महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस मार्ग का पालन किया है और इस मार्ग में सिद्धि प्राप्त की है। और तो और क्या कहें, ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, तो हम कैसे नकार सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है? तो वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर तो कोई इतना बड़ा नास्तिक नहीं है, उसकी गर्दन पे आप तलवार रखेंगे तो यही बोलेगा, हे बजरंगबली हमें बचाइए, ये बोलेगा वो। फिर भी एक समाज में एक ये नास्तिकता की धारा प्रवाहित हो रही है, बिना उस वस्तु को खोजे, बिना उसके लिए प्रयास किए। तो नास्तिक भी बने तो लॉजिकल नास्तिक बने, कम से कम दो चार। आप कई लोग कहते हैं कि यदि भगवान है तो गरीबों के ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, इनको बचाता क्यों नहीं है? जब इनके ऊपर अत्याचार होता तो भगवान आता क्यों नहीं है? कई लोग कहते हैं ऐसे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी में बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए, जर्मनी में बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए। तो उस समय क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था गॉड से, भगवान से, कि हमारे पति युद्ध में गए हैं, उनकी रक्षा करिए, आप उनकी रक्षा करें। लेकिन युद्ध हुआ, लोग तो मरेंगे, रक्षा नहीं हुई, तो उनका कैसा भगवान है ये, रक्षा नहीं किया इसने हमारा, हमारे पतियों का रक्षा नहीं किया। तो उस समय एक महात्मा से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या इस युद्ध की शुरुआत आपने भगवान से पूछ के की थी? तो जब आपने इस युद्ध की शुरुआत भगवान से पूछ के नहीं की, भगवान के नियमों का, जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, और जब उसके परिणाम आ रहे तो आप उसका दोष भगवान को दे रहे हैं, ये कहां का न्याय है? तो व्यक्ति इस संसार में जो कष्ट पा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके स्वयं के कर्म जिम्मेदार है। कोई कहे फलाना व्यक्ति लीवर के कैंसर से मर गया, भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की, क्यों? शास्त्र में उल्लेख किया गया है शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से लीवर खराब हो सकता है, आपने उस बात को माना नहीं और अब यहां लीवर खराब हो गया, तो भगवान को दोष दे रहे हैं। सरकार ने कहा है कि भैया शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना हो सकती है, वो तो आपने सरकार की बात मानी नहीं, अब दुर्घटना हो गई तो सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं कि ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। तो ये कहां, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है।
तो भगवान का अस्तित्व है, इतनी सुंदर प्रकृति के अंदर व्यवस्था है। अनेक अनेक तरीके से देखें, यदि धरती ये पृथ्वी यदि थोड़ा और नजदीक पहुंच जाए सूर्य देवता के, तो ये पूरी जल जाएगी, खाक हो जाएगी, और थोड़ा दूर आ जाए तो इतना इसका जो तापमान है उसमें कमी आ जाएगी कि इसके अंदर बर्फ बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी। किसने ये अद्भुत व्यवस्था बनाई, कौन इस व्यवस्था के पीछे है? हम तो देखते हैं संसार में जो भी हम देखते हैं, अरे एक हम प्राकृतिक फूल देखते हैं, गुलाब का फूल, कितनी सुंदर उसमें खुशबू आती है, और कागज का फूल भी आप लोगों ने देखा होगा, तो कागज का फूल क्या अपने आप बन गया? उसके पीछे बनाने के पीछे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? तो भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वान् प्रवर्तते, हर वस्तु के पीछे मैं कारण हूं, हर वस्तु मुझसे आती है। तो इस संसार में नास्तिक होने का कोई कारण ही नहीं है, जब तक कि आपने गहराई में जाके यदि आपने खोज ही नहीं की है, आपने उसको प्राप्त करने का, उससे मिलने का प्रयास ही नहीं किया है, तो आपका नास्तिक होना छलावा है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर मिला, पत्रकार मिला, उसने कहा क्या स्वामी जी आप लोग ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, आपको पता चला मृत्यु के समय की हमने जीवन भर हरे कृष्णा किया और भगवान होते ही नहीं है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या नुकसान क्या है, पूरे जीवन भर हरे कृष्णा किया, चिंताओं से मुक्त रहे, बहुत सुंदर सुंदर लोगों के बीच में रहे, पूरा जीवन आनंद से बीता, लेकिन ये बेटा तुम बताओ जी, तुम्हें मृत्यु के समय पता चल गया कि भगवान है, तो तुम्हारा क्या होगा? तो इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, और संख्या भी, तो आप जो लोग कह रहे हैं भगवान नहीं होते हैं, आप इस्लाम ले लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, आप यहूदी धर्म ले लीजिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म ले लीजिए, नंबर भी तो कुछ मैटर करता है, संख्या में भी तो कुछ बल होता है। इतने सारे लोग भगवान को विश्वास कर रहे हैं, हम ही एक मूर्ख ठहरे या हम ही एक बुद्धिमान जो कह रहे बस भगवान नहीं है, तो ये बात बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। तो जब तक आपने खोजा नहीं है आप नहीं कह सकते भगवान नहीं है, तो खोजिए। और इतने सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के जीते जागते चरित्र भगवान के भक्त हैं, इनके माध्यम से खोजने का प्रयास करना चाहिए।